तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए, हमने पहले भी कहा है, पहले भी हमने मुख्यमंत्री महोदय को हमने अवगत कराया है कि हम पुजारियों को कमजोर नहीं समझे, हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी नहीं समझे। हम किसी सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य समस्या है, खातेदारी में मंदिर भूमि में पुजारियों के नाम दर्ज कराना। ये मामला पिछले 30 वर्षों से पेंडिंग चल रहा है, जिस पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राज्य की सत्ता में जो वर्तमान में जो सरकार है, जो सत्ताधारी हैं, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है, कब तक आखिर पुजारी चुप बैठेगा? कब तक हमारे पुजारी भाइयों की हम हत्याएं बर्दाश्त करेंगे? इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया है, करौली के अंदर जो हत्या हुई है, जो पैकेज दिया है, जो जांच बैठाई है, उसके उन्होंने पूरा राजस्थान पुजारी समाज उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। लेकिन क्या ये स्थायी समस्या का स्थायी समाधान है? ये जो मूल समस्या है उसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, आप हमारे मंदिर भूमि के अंदर खातेदारी में नाम दर्ज कराओ, पुजारी शांत होगा, पुजारी सड़कों पे नहीं उतरेगा, पुजारी किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं, आप हमारी बातों पे कोई अमल नहीं करते हैं। आपकी सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो ये राजस्थान, अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ आने वाले समय में धरना भी देगा, आंदोलन भी करेगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास विधानसभा का घेराव भी करेगा। कारण एक ही है, हमारे पुजारी भाइयों की हत्या हो रही है, हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। लेकिन बड़े दुख और चिंता की बात है कि राजस्थान के जननायक कहलाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, जो जनता की, गरीब की, किसान की आवाज़ को बड़े गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन आज पुजारियों की बात आई है, उनकी समस्या की बात आई है, डोली भूमि की बात आई है, तो आज चुप्पी साधे बैठे हुए। किसको दिया गया था? आज पूरे अखिल राजस्थान महासंघ ने हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम जिला कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे हैं। अखिल राजस्थान अजमेर संभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, पुजारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री महोदय, हम पुजारी वर्ग हैं, हम शांति चाहते हैं। मेरा नाम सुरेश चंद्र वैष्णव है, अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ संभाग अध्यक्ष।